हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिली पटेटो बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जैसे कि हम होटलों में जाते हैं, हम वहाँ पर ऑर्डर करते हैं कि हमें चिली पटेटो चाहिए, तो वो फटाफट एकदम हम सोचते हैं अरे 5 मिनट में कैसे बन के आ जाते हैं। तो वो पहले उनको हाफ फ्राई करके रखते हैं, फिर वो हम जब ऑर्डर देते हैं फुल फ्राई करके एकदम ले आते हैं। तो उसी स्टाइल में मैंने इनको बनाया है। तो आप देखिए कितने बढ़िया दिखने में लग रहे हैं, जो खाने में ही उतने ही टेस्टी हैं। मेरा तो स्मेल से इतना दिल कर रहा है कि अभी मैं इन्हें फटाफट खा लूँ। तो प्लीज़ आप इन्हें खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। तो अब हम इनको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिए ये 3 आलू। इसको मैंने छील के धो के बिल्कुल साफ करके रखा हुआ है। अब इसको हम ये जो साइड के हैं इनको काट देंगे, बिल्कुल अपने आलू को ऐसा शेप देंगे कि हमारा आलू इस तरह कट सके लंबाई में। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हमारा आलू कटने चाहिए। अब इसको हम इस तरह लंबाई में काटेंगे। ये देखिए इस तरह हमारे होने चाहिए। अब हम इन सारे आलूओं को काट के पानी में डाल देंगे। थोड़े हमारे आलू मोटे ही रहने चाहिए इस तरह। अगर हम पतले करेंगे तो आलू हमारे जल्दी से गल जाएंगे, वो अच्छी तरह क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारे एक जैसे आलू कट गए ना। अब हम इनको तैयारी करते हैं बनाने की। ये देखिए बराबर हमने सब आलू काट लिए हैं, और जो ये हमारे आलू बचे हैं इनको हम बाद में सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, वेस्ट कुछ नहीं जाने देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे, पहले हम अपने आलू की तैयारी कर लें, इनको कोटिंग कर लेते हैं। पहले 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, या अगर ये ना हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, इसे रंग बहुत अच्छा आएगा, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब हम इनको अच्छी तरह मिलाएंगे, हाथ से भी मिला सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसके अंदर रेड कलर भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए हमारे सब आलूओं पे जो हमने कोटिंग करी है वो सब चिपक गई है अच्छी तरह। अब हम इनको एक एक करके तलेंगे। अब हम अपने चिली पटेटो इसके अंदर डालते हैं, एक एक करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, जितने आसानी से हमारे आ सके उतने ही डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे। बिल्कुल सुपर हॉट तेल होना चाहिए इसके लिए। और अब हम इसको गैस पे थोड़ा स्लो मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमारे आलू पकने भी चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। देख सकते हैं सब हमारे अलग अलग हो गए। देखिए हमारे कितने फर्स्ट क्लास एक जैसी कोटिंग के हमारे चिली पटेटो तैयार हुए। अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे को इनको दोबारा फ्राई करना है। कितने फर्स्ट क्लास हमारे चिली पटेटो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। देखिए अब इन्हें तेल हमारा बहुत तेज गर्म हो चुका है, फिर से इनको डालेंगे। अब इनमें आवाज आएगी, पहले इनमें आवाज नहीं आ रही थी। देखिए हमारा दोबारा सेकने का ये मकसद है, कितने क्रिस्पी हो गए हैं हमारे ये पटेटो। अब हम इनको निकाल लेंगे, गैस हमने बंद कर दिए। अब हमने एक पैन ले लिया है बड़ा सा खुला, जिसके अंदर हमने तेल डाल दिया 2 चम्मच। इसके अंदर तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे चॉप की हुई प्याज।
फ्लेम को हम हाई रखेंगे क्योंकि हमें किसी चीज़ को पकाना नहीं है। और ये हम लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर। और हम डालेंगे हरी मिर्च क्योंकि इसलिए हम इसको तेज से बनाएंगे क्योंकि हमें हर चीज़ का क्रंच चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना ये हरी शिमला मिर्च। मेरे पास हरी शिमला मिर्च है, मैंने हरी डाल दी है। आपके पास जो है लाल पीली आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैं इसमें सेजवान सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस। अगर आपके पास टमाटो सॉस नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। हम थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। और ये मैंने कुछ धनिए की डंडियां तोड़ रखी हैं, उन्हें काट रखा है, जिनका फ्लेवर तो कमाल का होता है, उनको भी हम इसमें डालेंगे। गैस को मैंने जैसे कहा कि आप इसको तेज ही रखेंगे तो जब हमारे आलू क्रंची बनेंगे तो हमें सब्जियां भी क्रंच वाली ही चाहिए, तभी उसमें मजा आएगा। ये मैंने एक प्याज के इस तरह पेटल्स काट के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब देखिए हमारी सॉस कितनी बढ़िया तैयार हो गई है। वैसे तो प्याज मैंने डाला भी है लेकिन ये उसमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 4 बड़े चम्मच, ताकि हमारा थोड़ा सा इसका थिकनेस भी बनी रहे और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा लिपट जैसा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसका पानी तैयार करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कितना है, कितना हमें गाढ़ा चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने हाई फ्लेम करके अपने चिली पटेटो। बस हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा इनका कलर आया है। अब इसी टाइम पे हम गैस को कर देंगे बंद और हमारे चिली पटेटो हो गए हैं तैयार। ये देखिए हमारे झटपट तैयार होने वाले चिली पटेटो, क्रिस्पी चिली पटेटो, जो मैंने कितने आसान तरीके से और शॉर्ट में बनाए हैं। आप देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में भी बहुत क्रिस्पी हैं ये। ये देखिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।